हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे? ओके बेटा, तो चलिए जो गुल्ली डंडा हमारा जो पाठ है इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो लेखक है उनको उनका दोस्त है ना बार बार गुल्ली लाने के लिए मजबूर कर रहा है कि जब तक मैं आउट नहीं हो जाऊंगा मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। अच्छा, लेखक क्या बोलता है? अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया है वो लौटा। अब देखो, लेखक अब एक नई चाल चल रहा है कि कल मैंने जो अमरूद तुमको खिलाया था मेरा वापस करो, तो वह तो पेट में चला गया। गया बोलता है, वो तो मैंने खा लिया, मेरे पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? लेखक क्या बोलता है? निकालो मेरा अमरूद, तुमने क्यों खाया? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। गया क्या बोलता है? कि तुमने दिया था तभी तो मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। वो बोलता है, मैंने तुमसे मांगा था क्या? नहीं, जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाम ना दूंगा। अब देखो, लेखक क्या बोलता है, जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाम ना दूंगा, कि पहले मेरा अमरूद निकालो जो तुमने कल खाया था, तभी मैं दाम दूंगा, तुम्हारी बारी में तभी है ना आने दूंगा। पहले तुम क्या करो, पहले मेरा अमरूद निकालो। ठीक, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया हो। अब देखो, लेखक क्या बोल रहा है? कि मैं सोचता था न्याय मेरी ओर है, क्योंकि मैंने स्वार्थवश ही वो अमरूद गया को खिलाया था। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है ना? लेखक कहता है कि कोई निस्वार्थ ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे देता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं, और भिक्षा भी क्या, कि अपनी भलाई के लिए तो भिक्षा देते हैं लोग। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाँव लेने का क्या अधिकार? लेखक क्या बोल रहा है? कि जब गया ने मेरा अमृत खाया तो उसे अब दांव देने का मैं क्यों दूं दांव? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा सक जाते हैं। लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं और खून भी किए रहे तो फिर कहते हैं ना, पुलिस को देके माफ़ कर दिया जाता है। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? लेखक क्या बोलता है? गया को मैं अपना अमरूद ऐसे ही हजम थोड़ी ना करने दूंगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को नसीब ना होंगे, है ना? और लेखक क्या बोलता है? जी हाँ, अमरूद किसके थे? पैसे से खरीदे थे, जो उसके बाप को भी नसीब नहीं होंगे। यह सरासर अन्याय है। लेखक क्या बोलता है? यह सरासर अन्याय है। अब देखो, गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। अब देखो, अब गया को भी गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि तुमने मुझे अमरूद क्यों दिया, बस तुम मुझे मेरी दांव देकर जाना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे न्याय का बल था और मुझे लग रहा था कि मैंने तो अमरूद खिलाया, मैं क्यों दूँ? पहला अमरूद देगा फिर मैं उसको दांव दूंगा। वह अन्याय पर डटा हुआ था और गया क्या कर रहा था? अन्याय कर रहा था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था और गया ने हाथ भी पकड़ लिया था लेखक का। वह मुझे जाने न देता दे रहा था और लेखक को गया जाने नहीं दे रहा था। मैंने गाली दी, उसने कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं दो एक चाटा भी जमा दिया। मैंने फिर लेखक ने गाली दी गया को, फिर उसने भी उससे भी बड़ी गाली दी, फिर उसने गाली के साथ से दो चार चाटा भी लगा दिया लेखक को। मैंने उसे दांत से काट लिया, और फिर लेखक ने क्या किया, उसको दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, और फिर गया ने लेखक की पीठ पर डंडा मार दिया। मैं रोने लगा, और फिर लेखक रोने लगा। गया मेरे इस शस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मतलब जब मैं रोया तो अब गया को डर लगने लगा कि जरूर इसका रोना सुन के लोग आएंगे, हो सकता है इसके माँ बाप भी आ जाएं, अब तो मेरी पिटाई होगी क्योंकि मैंने डंडा मार दिया इसको, है कि नहीं? भागा मैंने तुरंत आंसू पोंछे, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुँचा। और जब गया ने मारा तो वो डर गया, और डर के वो भाग गया, है ना? उसके बाद मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और डंडे की चोट में भूल गया और अस्त हंसता हुआ अपने घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का, लेखक क्या बोलता है? कि मैं थानेदार का लड़का एक आम लौंडे के हाथे पिट गया। कि मैं एक थानेदार का लड़का हूँ, मैं एक आम लौंडे के सामने एक लड़के हाथों से पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हो और उसको लग रहा था कि मैं तो एक थानेदार का लड़का हूँ और मैं एक साधारण से लड़के के हाथों पिट गया, मुझे ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन घर में
किसी से शिकायत ना की, लेकिन मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।